हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सागर। आज मैं आपको समय और दूरी पर आधारित कुछ सवाल कराऊंगा। तो इसके लिए हमें बेसिक कुछ फॉर्मूलों की आवश्यकता होती है। जैसे चाल, चाल का फॉर्मूला होता है दूरी भाग में समय। दूरी निकालनी होती है तो चाल गुणा में समय, ये समय इधर भाग में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा में समय। समय का फॉर्मूला होता है दूरी भाग में चाल। और अगर हमें कोई चाल दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में और हमें उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करनी है तो हम क्या करेंगे, चाल को 5/18 से गुणा करवा देंगे। दोस्तों क्या करना है, चाल को 5/18 से गुणा करवा देंगे। और अगर हमें चाल दी हुई है मीटर पर सेकंड में और उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर हावर में तो क्या करेंगे, हम इसका उल्टा, उल्टा मतलब 18/5 से क्या कर देंगे, उस चाल को गुणा कर देंगे। गुणा करने से वो चाल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगी। और कुछ बार हमें औसत चाल के बारे में पूछ लिया जाता है तो औसत चाल का फॉर्मूला 2xy/x+y। ये एक्स वाई क्या होता है दोस्तों, एक्स होता है पहली चाल और वाई होती है दूसरी चाल। तो पहली चाल गुणा दूसरी चाल गुणा दो भाग में एक्स प्लस वाई। तो चलिए कुछ सवालों के हम सीखते हैं कि ये कैसे हल होंगे। तो एक कार की चाल दी हुई है हमें 14 किलोमीटर प्रति घंटा और वह 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। हमें क्या निकालना है दोस्तों, कार की चाल दी हुई है और हमें क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो दूरी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, चाल गुणा में समय। तो चाल कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर और समय दिया हुआ है 8 घंटा। तो 40 को 8 से गुणा कर दें तो क्या आएगा, 320 किलोमीटर हमारी क्या आ गई, दूरी आ गई। दोस्तों बहुत ही आसान से सवाल है, बस कुछ फॉर्मूले याद रखने होंगे आपको। फॉर्मूले याद करने से क्या होंगे, सवाल निकल जाएंगे। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक बस 350 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है। एक बस 350 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करती है, तो बस की चाल ज्ञात करो। इस बार में चाल ज्ञात करनी है तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी भाग में समय। दूरी दी हुई है हमें 350 किलोमीटर और समय है 7 घंटा। 350 को 7 से भाग करें तो क्या आएगा, 50। बस की चाल क्या आई, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यूनिट डिजिट हमें घंटे में दी हुई है और दूरी किलोमीटर में है, तो स्पीड भी क्या आएगी, किलोमीटर पर आवर में आएगी। अगला सवाल है, एक स्कूटर सवार 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। क्या दिया हुआ है कि एक घंटे में तो वो 36 किलोमीटर चलता है तो 1 मिनट में वो कितना चलेगा, ये निकालना है दोस्तों। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। तो पहले हम 1 सेकंड की चाल निकालते हैं, फिर 1 सेकंड से क्या निकालेंगे, 1 मिनट निकालेंगे। तो 36 को किससे मल्टीप्लाई करनी है, 5/18 से। जब हम बड़े से छोटे में जाएंगे तो ध्यान रखना ऊपर छोटा आएगा, जब हम क्या जाएंगे बड़े से छोटे में जाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, छोटा आएगा। छोटा 5 है और बड़ा नीचे 18 है। और जब हम छोटे से बड़े में जाएंगे, छोटे से बड़े मतलब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में जाएंगे तो किससे गुणा करनी है, 18/5। तो इसको अभी 36 से 18 कट रहा है, 2 से 5 गुणी 10, 10 मीटर पर सेकंड आई है दोस्तों हमारी चाल। अभी क्या है, 10 मीटर 1 सेकंड के अंदर चलेगा। हमें कितनी निकालनी है, 1 मिनट के अंदर। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, इसलिए 10 को भी हम किससे गुणा कर देंगे, 60 से गुणा कर दें तो क्या आया दोस्तों हमारा, 600 मीटर पर मिनट। क्या आंसर क्या है, 600 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना चलेगा, 600 मीटर। अगला सवाल है दोस्तों हमारा औसत चाल वाला। तो क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति कार द्वारा 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक शहर जाता है, जाते वक्त तो उसकी स्पीड थी, स्पीड मतलब चाल थी क्या थी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और आते वक्त उसने अपनी चाल बदल दी और चाल होगी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम कहीं जाते हैं तो चाल कुछ और होती है, आते हैं तो कुछ और होती है, तो उसको क्या पूछ रखा है हमें, औसत चाल पूछ रखी है। तो क्या निकालनी है उसकी औसत चाल कितनी है, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2 × x+y और भाग में क्या होता है, x+y। एक्स का मतलब है एक चाल, वाई का मतलब है सेकेंड चाल। तो निकालते हैं, 2 × 72 × 48 भाग में 72 + 48, 72 + 48 होता है दोस्तों 120। तो 120 कर दिया तो ये कट रहा है, हाँ दोस्तों ये कट रहा है। ये देखो 12 × 72 और 12 को 10 से गुणा करते तो 120। अब ये दो, ये इससे कट रहा है, दो को इससे काटा क्या आया,
पाँच आया। अब ये पाँच इधर से नहीं कट रहा और 48 और 6 की मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है 288, और 288 को किससे भाग करना है 5 से, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 बचा 3 और 8 38 5 आते 35, 3 बच गया 0.5 के 30, तो आंसर आया हमारा 57.6 किलोमीटर पर हावर। ये क्या है हमारी दोस्तों औसत चाल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चाल समय और दूरी वाला समझ में आ गया, बस आपको ये सिर्फ ये फॉर्मूले याद करने हैं, थोड़े से हैं बिल्कुल आसान से हैं, तो ये याद करने से आपको कभी भी इन सवालों में कभी नहीं अटकोगे आप। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और आपने अभी तक हमारे पेज ज्ञान सागर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।